ये बोलता है, चैन बैक सुन, तुम्हारा फेवरेट डिसेबल का आत्मा मेरे हाथों में है। अगर तुम हार मानकर अपना डिवाइन टेक्निक मुझे नहीं दोगे तो मैं इसे तबाह कर दूंगा। चैन बोलता है, ओ सही में क्या? तभी चैन टाइम का इस्तेमाल करके वो जगह को रोक देता है। ये देखकर सॉफ्ट हो जाता है और अपने मन में बोलता है, मुझे नहीं पता था कि इसे ये टेक्निक के बारे में पता है। फिर चैन वहाँ से हट जाता है और अपना तलवार निकाल लेता है। ये बोलता है, मुझे नहीं पता कि ये क्या है, अच्छा हो गया तुम मुझे ये दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे डिसेबल के आत्मा को तबाह कर दूंगा और फिर पृथ्वी के सभी आदमी को मार डालूंगा। उसकी बातें सुनकर चैन हंसने लगता है। ये बोलता है, तुम हंस क्यों रहे हो? चैन बोलता है, मैं तुम पर इसलिए हंस रहा हूँ कि तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझे हरा दिए हो, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं असल में कौन हूँ। जब से मेरा यहाँ पर जन्म हुआ है मुझे बहुत सारे टाइटल मिले हैं, जैसे मास्टर जनरल, इमॉर्टल, लॉर्ड सिक्स कंट्री और यहाँ तक कि पिल किंग भी, लेकिन असल में ये सब मेरा असली टाइटल नहीं है। मैं ये टाइटल को कब से खोज रहा था, मुझे लगा कि मैं इसे खो दिया हूँ। हालांकि कुछ ही दिन पहले मुझे पता चला है कि ये मेरे ही अंदर है। तभी वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है और चैन बैक्सन चेंज हो जाता है और बोलता है, मेरा असली टाइटल है बैक्सन इमॉर्टल। ये बोलता है, बैक्सन इमॉर्टल, मुझे इसके बारे में पता नहीं है और मैं इसके बारे में सुना भी नहीं हूँ। मैं एक डिवाइन लेवल एक्सपर्ट हूँ और तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। चाहे तुम जितना भी रूप ले लो, मैं तुम्हें आराम से कुचल सकता हूँ। पृथ्वी के सभी लोग शॉक्ड होके बोलते हैं, बैक्सिन इमॉर्टल, मैंने इसके बारे में कभी सुना नहीं है। तो लॉर्ड चैन का असली टाइटल है बैक्सिन इमॉर्टल। अभी तो कुछ समय पहले लॉर्ड चैन हार गया था ना, फिर वो ऐसा क्यों दिखा रहा है कि वो सबसे ताकतवर एक्सपर्ट है? मुझे लग रहा है कि ये इसका कोई इल्यूशन होगा। वो ये सब देखकर अपने मन में बोलता है, ये सही में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर एक्सपर्ट है, यहाँ तक कि ये डिवाइन लेवल एक्सपर्ट से भी ज़्यादा ताकतवर होगा। मैं ये बोल सकता हूँ कि चैन बैक्सियन कोई नॉर्मल सेक्टर का डिसेबल नहीं होगा। मैं इसको फॉलो करने का डिसीजन एकदम सही था। दूसरी तरफ चैन ये को बोलता है, अब बताओ कौन किसके सामने चीटी है। फिर वो अपने हाथों से उस पर हमला कर देता है। ये बोलता है, मुझे यहाँ से भागना होगा। और जैसे वो भागता है वो शॉक्ड होकर बोलता है, धत तेरी की, मैं तो हिल भी नहीं पा रहा हूँ, मैं तो यहाँ पर जम गया हूँ। फिर वो चिल्ला के बोलता है, चैन बैक्सन तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन मैं एक डिवाइन लेवल एक्सपर्ट हूँ, मैं कभी भी नहीं मर सकता हूँ जब तक मेरा एक आत्मा जिंदा रहेगा। अगर तुम एक ही वन में मेरे सभी आत्मा को तबाह कर दोगे तभी मैं मर पाऊंगा। अगर मैं बच गया तो मैं कभी ना कभी तुमसे बल्ला लेकर रहूंगा। चैन बोलता है, तुम बहुत ही कमजोर हो। ये एक भाला निकाल के बोलता है, ये डीसर माउंटेन का सबसे ताकतवर हथियार है, इसका नाम है नेदर स्पियर। फिर वो वहाँ पर डिवाइन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है और बोलता है, अब मेरे ताकत का सामना करके देखो। फिर वो अपने मन में बोलता है, मैं पहले इसके डिसेबल का आत्मा को तबाह कर देता हूँ, जिससे चैन बैक्सन और भी ज़्यादा कमजोर हो जाएगा। चैन आराम से उसके हाथों से जीव का आत्मा ले लेता है और साथ ही साथ उसके भाले को भी तोड़ देता है। ये देखकर ई बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, बोलता है, ये तो नामुमकिन है। तभी चैन ई को वहीं पर मार डालता है। तभी चैन पृथ्वी की ओर देखने लगता है। वहाँ के सभी आदमी चैन को देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। तभी टैंग बोलती है, चैन ये तुम ही हो ना? चैन बोलता है, चिंता मत करिए आंटी, यह मैं ही हूँ, अभी मुझे बहुत ही काम करना है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगा। टैंग बोलती है, ठीक है तुम जाओ तब। जाओ बोलती है, चलो अच्छा हुआ कि ये चैन ही है। यंजू बोलती है, हाँ तुम सही बोल रही हो। चैन अपने हाथों को देखकर अपने मन में बोलता है, बैक्सन इमॉर्टल का ताकत बहुत ही जल्दी जाने वाला है, मैं इस ताकत का इस्तेमाल करके एक से दो हमला कर सकता हूँ। अगर मुझे आगे चलकर इसका ताकत का इस्तेमाल करना है तो मुझे इसे डिवाइन आइटम देना होगा। मैं इस मौके का फायदा उठाकर सभी दुश्मनों को मार देता हूँ, जिसे बिगोंग सेक्टर अपने आप को बचा सकता है। जब मैं पृथ्वी में नहीं होऊंगा तब। फिर वो एक ही वार में ऐसे डिमोनिक एबिस को तबाह कर देता है और जीव को बोलता है, चलो चलते हैं, मैं तुम्हारे फिजिकल बॉडी को फिर से रिकवर कर देता हूँ, मेरा डिसेबल कभी किसी से कमजोर नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हें वुड गॉड का दिल देता हूँ, गोल गॉड का लंग्स, अर्ड गॉड का पेट, वाटर गॉड का लीवर। फिर वो सभी को मिलाकर उसे रिकवर करने लगता है और उसे एक बड़ा सा जाल में बंद कर देता है। तभी चैन अपने असली रूप में आ जाता है, बोलता है, मैं अपना सारा ताकत लगा दिया हूँ, मैं महसूस कर सकता हूँ कि अभी भी मेरे इमॉर्टल सोल में वो ताकत बचा हुआ है। ये इतना कम ताकत भी बहुत ही ज़्यादा है, ये आराम से कोई भी सेक्टर को तबाह कर सकता है। मैं इस ज़िंदगी में अपना पूरा ताकत को हासिल कर लूँगा और मैं फिर से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँगा। फिर हमें 3 महीने के बाद दिखाया जाता है, जीव का फिजिकल बॉडी पूरी तरह बन जाता है और वो बाहर आ जाती है। चैन बोलता है, 5 एलिमेंट का डिवाइन ब्लड लाइन इतना भी बुरा नहीं है। जीव बोलती है, ये तो रूल है ना, मुझे जितना याद है जो एक्सपर्ट का नेचुरल सोल आत्मा है वही ये रूल का ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। मास्टर वो तो मुझे मार दिया था ना।
चैन उसे कपड़ा पहनाते हुए बोलता है, ट्रीटिंग स्काई ने तुम्हारा फिजिक को पूरी तरह तबाह कर दिया था, फिर मैं 5 एलिमेंट का इस्तेमाल करके तुम्हारा फिजिकल बॉडी को फिट से बनाया हूँ। तुम आगे चलकर महसूस कर पाओगी 5 एलिमेंट की ताकत को। जीव शर्माते हुए बोलती है, आपका शुक्रिया मास्टर। चैन बोलता है, तुम्हारा फिजिक 5 एलिमेंट से बना है, तुम इसका इस्तेमाल करके बहुत ही जल्दी नेचुरल सोल आत्मा में पहुंच जाओगी और नॉर्मल लोगों से तुम्हारा बॉडी बहुत ही अलग है। जीव बोलती है, मास्टर ये तो बहुत ही महंगा होगा ना। फिर चैन उसका सर सहलाते हुए बोलता है, जीव तुम मेरे डिसेबल हो जिसे मैंने 1 से 2 मूव सिखाया था और तुमने बिगॉन सेक्टर के लिए बहुत ही किया है, यहाँ तक कि तुम्हारा बॉडी भी तबाह हो गया था, तो इसके सामने ये कुछ भी नहीं है। उसके अलावा मेरा डिसेबल कभी भी कमजोर नहीं पड़ सकती है। बैठ जाओ, मैं तुम्हें इमॉर्टल सेक्टर का 5 एलिमेंट सिखाता हूँ। जीव वहाँ पर बैठ जाते हुए बोलती है, ठीक है मास्टर। फिर हमें 1 महीने के बाद दिखाया जाता है। चैन बोलता है, तुमने 1 महीने में बहुत ही बढ़िया कल्टिवेशन किया है, अब चलो वापस चलते हैं। जीव बोलती है, ठीक है मास्टर। फिर कुछ देर में चैन और जीव पृथ्वी में वापस आ जाते हैं। फिर इसके बाद किसी का हिम्मत नहीं होता है पृथ्वी में हमला करने का। फिर हमें 3 साल के बाद दिखाया जाता है। चैन पिछले 3 सालों से कल्टिवेशन कर रहा होता है और जीव बिकॉन्ग सेक्टर को संभाल रही होती है और पृथ्वी का अकेले ही बिकॉन्ग सेक्टर कंट्रोल करता है। फिर हमें अगले दिन सेंट्रल सी में दिखाया जाता है। एक लड़की बोलती है, ये प्लैनेट में सही में बहुत ही बढ़िया कल्टिवेटर लोग हैं। ये जगह में इमॉर्टल बीस्ट को दफनाया गया था, लेकिन मुझे अभी तक कोई भी हाई लेवल एक्सपर्ट मिला नहीं है। सीनियर बोलता है, हे जूनियर, ये प्लैनेट में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर इंसान लोग हैं, लेकिन ये हमारे प्रैक्टिस और डिवाइन ड्यूटी के लिए बहुत ही खतरा है अभी। जूनियर बोलती है, मुझे लग रहा है कि ये चैन बैक्सियन है, वो पिछले 3 सालों से पता नहीं कहाँ पर है। सीनियर बोलता है, हम लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि 3 साल पहले एक ट्रीडिंग स्काई यहाँ पर मर गया था और चैन बैक्सियन का भी कल्टिवेशन लेवल क्या है ये सब के बारे में हमें जानना है, हमारा यही काम है और हमें कोई भी गलती नहीं करनी इसमें। जूनियर बोलती है, ठीक है। दूसरी तरफ चैन एक बड़े से मॉन्स्टर को मार डालता है और बोलता है, ट्रीडिंग स्काई से कंपेयर करूँ तो ये डिमिनिक बीस्ट बहुत ही ज़्यादा कमजोर है। सेक्टर लाइन का यही आखिरी गॉड पैलेस क्रिएशन है। मुझे जो ताकत चाहिए वो हेवन और अर्थ का नहीं है, मुझे सिर्फ अपना ताकत चाहिए। जब मैं अपना असली ताकत पालूंगा तो ये हेवन और अर्थ मेरे सामने कुछ भी नहीं होगा। फिर वो वुयान गॉड पैलेस का सभी ताकत को एब्जॉर्ब कर लेता है और बोलता है, अब मेरा सिर्फ एक ही स्टेप बाकी है हेवन और अर्थ का ताकत को पाने का। फिर हमें चैंगसेन क्लाइन के पैलेस में दिखाया जाता है। यू एक आदमी को देखकर अपने मन में बोलता है, ये तो ब्लेड मास्टर किन है ना, ये तो एक डिवाइन लेवल एक्सपर्ट है। मैं आराम से बोल सकता हूँ कि ये इसका सिर्फ एक क्लोन है, इसका असली बॉडी कहीं और ट्रेनिंग कर रहा होगा अभी। और रहा बात इसका, मैं इसके कल्टिवेशन लेवल को देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि ये मुझे आराम से मार सकता है। फिर किन उस लड़के को बोलता है, मैं तुम्हें आखिरी बार पिछले 300 साल पहले देखा था, मैं पर्पल हेवन होली प्लेस में जा रहा हूँ, तुम्हारा मास्टर तो पहले वहाँ पर जा चुका है ना, तो मैं उनसे जाकर इसके बारे में बात करूँगा। तुम 300 साल पहले बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि तुम अपने सेक्टर के बैकअप के होलीसन बन जाओगे। वो लड़का बोलता है, मैं सिर्फ एक बैकअप हूँ, मेरे मास्टर आपका हमेशा तारीफ करते रहते हैं क्योंकि आपका सोर्ड आर्ट बहुत ही बढ़िया है। वो ये भी बोलते हैं कि आप पूरे 19 रिल्म में टॉप एक्सपर्ट हो और आप कुछ ही समय में टॉप 10 एक्सपर्ट में आ जाओगे। किन बोलता है, तुम्हारा मास्टर सही में मेरा बहुत ही तारीफ करता है, हालांकि मैं इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं हूँ और मुझे ये भी नहीं लगता कि मैं टॉप 20 में भी आ सकता हूँ। उसके अलावा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो लड़का बोलता है, मैं सुना कि पृथ्वी में बहुत ही ताकतवर इंसान आया है, इसलिए मैं ये देखने आया हूँ। किन बोलता है, वो लड़का सही में बहुत ही स्पेशल है, यहाँ तक कि ट्रेडिंग स्काई जो कि डिवाइन लेवल में पहुँच गया था वो भी उसे मार डाला। अगर तुम प्लान बना रहे हो कि वो तुम्हें फॉलो करके तुम्हें होली सन बना देगा, तो मैं तुम्हें सही बात बता देता हूँ, तुम्हारा प्लान पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। वो लड़का बोलता है, चिंता मत करिए, मेरे पास इससे बढ़िया प्लान है। किन बोलता है, ठीक है। फिर वो अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ चैन कल्टिवेशन करके बाहर आ जाता है। जीव बोलती है, मास्टर कल्टिवेशन करके वापस आ गए। याओ चैन को बोलती है, अंकल क्या आप डिवाइन लेवल में पहुँच गए? चैन बोलता है, डिवाइन लेवल सपना देख रही हो क्या? मुझे वहाँ तक पहुँचने में बहुत समय लगेगा। फिर वो उसका सर सहलाते हुए बोलता है, हालांकि मैं अभी तक वो लेवल में पहुँचा नहीं हूँ, लेकिन मैं आराम से एक डिवाइन लेवल को हरा सकता हूँ। यही बोलती है, क्या सही में? जीव बोलती है, मास्टर आप सही में इतना ताकतवर हो गए हो? चैन बोलता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं यूनिटरी पावर का मास्टर हूँ। अब मेरा फिजिक सोल और फोर्टिस भी इमॉर्टल बन गया है। अब मैं पूरे मॉर्टल दुनिया में बहुत ही ताकतवर कल्टिवेटर हूँ।